दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए डू एनिमल्स शेयर आइडियाज का हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। आप टेक्स्ट के साथ साथ जब मेरे वीडियो को सुनेंगे तो आपको टेक्स्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मैं प्रारंभ करता हूं। हम जानते हैं कि मानव भावनाएं और विचार एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। हम बात करते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। क्या जानवर बात करते हैं? जानवर शब्द और वाक्य नहीं इस्तेमाल कर सकते जिस प्रकार मानव करते हैं, फिर भी वे अपनी भावनाओं को दर्शाते हैं और अपनी जानकारी को साझा करते हैं। बहुत सारे जानवरों की सूंघने की शक्ति बड़ी प्रबल होती है। वे संदेश भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वे एक गंध छोड़ जाते हैं जिससे दुश्मनों को डराया जा सकता है। वे अपनी गंध का इस्तेमाल साथियों का पता लगाने के लिए भी करते हैं। कुछ जानवर अपने साथी को मीलों दूर से सूंघ सकते हैं। जानवर आवाज का इस्तेमाल भी जानकारी देने के लिए करते हैं। वे एक विशेष आवाज का इस्तेमाल अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए करते हैं, डर को भी। कुछ दूसरों को चेतावनी देने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। संदेश भेजने का दूसरा तरीका शरीर के हाव भाव के माध्यम से होता है। जानवर अपने बाल खड़े कर सकते हैं या अपने दांत दिखा सकते हैं। यह दुश्मनों और शिकार दोनों को डराने के लिए होता है। वे एक दूसरे के करीब भी आते हैं दोस्ती दिखाने के लिए। इनमें से कोई भी इतना जटिल नहीं है जितनी मानव की भाषा। मानव की भाषा असंख्य वाक्य बना सकती है। वह नए विचारों की रचना कर उनका संचार कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह टेक्स्ट समाप्त होता है और मुझे आशा है आपको यह टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। एक दो बार और आप सुनेंगे तो यह सारा टेक्स्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। यदि आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो बड़ी अच्छी बात है। यदि आपने नहीं किया है तो आप करेंगे तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर समय समय पर लाता रहूँगा। थैंक यू।